हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ शिरडी दर्शन के लिए, और जहाँ पर मैं रुकी हूँ इसे द्वारावती कहते हैं। साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से ये बनाया हुआ है। मैं यहीं पर आके रुकती हूँ। पहले होटल वगैरह में रुकती थी, लेकिन अभी मैं यहीं पर आके रुकती हूँ। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून सा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं आपको ये टूर दे रही हूँ रूम का, कि आप भी अगर चाहें तो यहाँ आकर के रुक सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत नीट एंड क्लीन रहता है। हाँ, आपको वैसा लग्जरी नहीं मिलेगा जैसा होटल्स में होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलेगा रुकने के लिए। थोड़ी सी आवाज़ मेरी ख़राब है तो क्योंकि कोल्ड हो गया है ये। मैं अभी तो वापस आ गई हूँ, तो ये मैं गई थी जस्ट दशहरे के बाद, तो बहुत रश था, बहुत भीड़ थी और पानी बहुत अच्छा बरस रहा था, ठंडक भी बहुत थी। तो ये मॉर्निंग का है। हम लोग मॉर्निंग आई थिंक 5:30 समथिंग पहुँच गए थे हम। हमने फिर होटल मतलब जहाँ पे रुके थे द्वारावती में नहा धो करके, फिर हम लोग फ्रेशन अप होकर के हम लोग निकले थे करीब 10:30 बजे। और ये मॉर्निंग का मैं आपको व्यू दे रही हूँ। तो ये शिरडी का है। इस साइड बाबा का समाधि स्थल, मतलब ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये तो द्वारका माई के लिए है, जो लोग अच्छे से जानते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा किसी ने बनाया हुआ था, साईं हरि विट्ठल, फूलों से बहुत अच्छा सा सजाया था, अच्छा लग रहा था देखने से। एक्चुअली दशहरा था ना, दशहरा के वजह से बहुत यहाँ पर भीड़ होती है। हम दशहरा के दूसरे दिन गए थे, तो ये द्वारका माई है। ये यहाँ पर अलग से लाइन लगती है, तो मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। फ़ोन अलाउ नहीं है कहीं पर भी, मैं बाहर से आपको दर्शन दे रही हूँ, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये लाइन अच्छी खासी, बहुत लंबी लाइन लगती है, अभी तो कम भीड़ है। जैसे से दोपहर होती जाएगी, शाम होती जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी। फिर हम मैं आपको ना सारे जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ वहाँ के दर्शन करवा रही हूँ। मैं नासिक भी गई थी, उसके भी आगे दर्शन करवाऊँगी, तो आप बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को। तो ये चावड़ी है, ये जो आप आगे देख रहे हैं फूलों से सजा हुआ, ये चावड़ी है। यहाँ पे बाबा बैठते थे और उनका सामान है काफ़ी सारा, मीटिंग वगैरह यहाँ पर होती थी। जो लोग अगर जानते हैं उनके बारे में, यहाँ पर बाबा के जो आप मेन देख रहे हैं समाधि स्थल, वो आपको स्क्रीन पर जगह जगह आरती, जगह जगह पूजा, वो आपको दिखाई जा रही ताकि लोग दर्शन कर सकें। तो ये पूरा मैं आपको पूरा व्यू दे रही हूँ, जो जहाँ पर ये पूरा ये जिसके अंदर ये जाएंगे ना, ये जो आप देख रहे हैं शेड, सीधे डायरेक्ट जाएंगे तो आपको ये तो चावड़ी मैंने आपको दिखा दिया, ये चावड़ी के अंदर का है। फ़ोन अलाउ नहीं था, बट मैंने थोड़ा सा परमिशन लेके थोड़ा शूट किया है आपके लिए, क्योंकि फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। आपको लेना है तो आप परमिशन लेकर के कर सकते हो, लेकिन ऐसे अलाउ नहीं है वहाँ पे। तो जेंट्स के लिए अलग, लेडीज़ के लिए अलग लाइन था वहाँ पे। बाबा का मतलब मथा टेक सकते हो, और उनका सामान जो भी है जैसे वो यूज़ करते थे वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे। सामने डायरेक्ट बजरंगबली बाबा का मंदिर है। ये मंदिर बहुत पुराना है, तो ये इसका भी, इस मंदिर का भी बहुत मान्यता है, तो वो भी मैं आपको इसका व्यू दे रही हूँ। यहाँ भी कैमरा अलाउ नहीं था। जस्ट इसके अपोजिट में बाबा का समाधि मंदिर है, तो ये देखिए बजरंगबली बाबा का मंदिर। और भीड़ बहुत थी, पानी बहुत था, तो पानी बरसने के चक्कर में ना ठंड भी थी थोड़ी सी। और फिर हम लोग ना दर्शन करने, दर्शन बाबा के हम लोगों ने कर लिए, उसके बाद हम लोग आ गए। ये ट्रस्ट की तरफ से ही है, ऐसे प्रसादालय बोलते हैं। यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी होता है, तो मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ कि बहुत अच्छा खाना था। और ये पता है 24 घंटे चलता है, कभी ख़त्म नहीं होता यहाँ का खाना। मैंने रील भी डाली है, आप देखिएगा इंस्टाग्राम में। और ये मुझे एलिफेंट एकदम ऐसा लगता रियल में, तो मैंने इसको पिक ली है इसकी, तो देखिएगा इसको भी रील में शायद मैंने डाला है। फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा था पानी ना बरस जाए कस के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना बादल से थे। फिर एक गैलरी है, जैसे मॉल में ना, जब साईं बाबा के स्थान पर ऊपर मॉल में एक गैलरी से, जहाँ पे आप ये फ़ोटोज़ वगैरह अलाउ नहीं था, बट हमने लिया है। और ये मॉल के बाहर का है कि आप क्या क्या यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है, मैंने एज सच वहाँ से कुछ खास नहीं ख़रीदा। और ये मेरी फ्रेंड है, जो हमारे काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है, वो मिलने आए थे, तो वो मैंने पिक में लिया है। शिरडी में ही रहते हैं ये, नीम गाँव में। यहाँ पर अलाउ नहीं था बट मैंने लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का पूरा ये जो व्यू था, बहुत अच्छा था। ये मंदिर है समाधि मंदिर। फिर हम लोग मॉर्निंग में ना त्र्यंबकेश्वर के लिए, नासिक के लिए निकल लिए थे। मॉर्निंग में हम लोगों ने वहाँ पे दोसा खाया, और हम लोग फिर
बस दोशा खा के फटाक से निकले, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी नासिक पहुंचना था। तो नासिक का तो हमेशा, मैं कभी भी जितनी बार गई हूँ, 5-6 बार गई हूँ, हमेशा ना पानी बहुत, मतलब वहाँ पे बादल बहुत रहते हैं, ठंडा बहुत रहता है। बच्चों के लिए तो मैं लेके गई थी, मेरे फ्रेंड, जैसे मैंने बताया वो वहाँ पे रहते, तो उन्होंने बताया ठंडा है, तो बच्चों के लिए हम लोग कपड़े वगैरह लेके गए थे, बट ठंड बहुत थी। मेरी तबीयत तो थोड़ी सी डाउन हो गई, बिकॉज़ मैं अपने लिए ऐसा कुछ नहीं लेके गई थी, मुझे लगा इतना नहीं होगा, बट लेकिन ठंड बहुत थी। एक जैकेट लाइक ठंड थी, हल्की जैकेट वगैरह या हुडी है, इस लाइक ठंड थी। तो ये बादल, अच्छा मौसम था। फैमिली के साथ आओ तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं हमेशा, मतलब पहले अपनी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ ही आती थी, अभी तो टाइम नहीं मैच हो पाता है, तो मैं तो हर साल आती हूँ। कोविड के चक्कर में नहीं आ पाई 2 साल, बट मैं हर साल आती हूँ। तो ये नासिक का हम बाई रोड कार हमने कर लिया था। कार एक्चुअली आप भी जब भी जाइए ना, तो 3,000-4,000 ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन 3,000 में हो जाती है गाड़ी, तो आप कार कर लीजिए। हमने कार कर ली थी 3,000 में। वो पूरा आपको नासिक घुमा देगा, नासिक इन द सेंस कि आपको त्र्यंबकेश्वर एंड पंचवटी एंड मुक्तिधाम, ये कुछ ऐसे हैं, बजरंगबली बाबा का एक मंदिर है, वो कुछ ऐसे जगह हैं जो आपको घुमा देगा। तो आप ये इतने एरिया के लिए लोग इतना आपसे, पहले नहीं था, पहले तो 2,000-1,500 में ऐसे होता था, लेकिन अभी ये लोग इतना पर लेते हैं। शनिदेव मंदिर भी है, शनि शनि सिग्नापुर करके है, वहाँ भी लोग जाते हैं, हम भी जाते हैं, बट इस बार हम नहीं गए क्योंकि हमें यहाँ भी जाना था और टाइम उतना नहीं था मेरे पास। तो मैं आपको ये व्यू दे रही हूँ, इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो देख के आपको कैसा लगा, और आप भी जाइए तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए कि हम भी गए थे। ये हम पहुँच गए त्र्यंबकेश्वर मंदिर। तो मंदिर अभी नहीं पहुँचे हैं हम, लाइन में, यहाँ पे आपको लाइन में थोड़ा सा लगना पड़ेगा। तो ये लाइन, ये हॉल है ऐसे, ये अभी बनाया है, 3-4 हॉल ऐसे आपको, आई थिंक 3 हॉल्स थे ऐसे आपको, मतलब लाइन में ऐसे पूरी रेलिंग्स इन्होंने स्टील की लगा रखी है, ऐसे आपको जिगजैग करके जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। ये जो आप देख रहे हैं एलईडी, ये आपको दर्शन वहाँ के लाइव दे रहे हैं, जैसे कि साईं बाबा स्थल में भी था कि वहाँ पे लाइव दर्शन आपको दे रहे हैं, तो इतना दिक्कत नहीं है, आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। ये पहले नहीं था, ये अभी वैसा हुआ है। अच्छा, ये बिना पास के लाइन है, अगर आप पास दे के जाना चाहते हो तो वो ओपन लाइन है, मतलब पानी बरस रहा है और आप भीग रहे हो और आपने पे भी किया है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं किया और मैं इधर से आई, क्योंकि बच्चे के साथ थे हम लोग, मतलब बच्चे हैं तो वो बीमार ना हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को सेफ समझा, क्योंकि ये तो हॉल में था और यहाँ पर भी ठंड थी बहुत। लेकिन जो लोग बाहर थे, अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी आगे, जो लोग बाहर से लाइन में लगे हुए थे वो भीग रहे थे, तो वो मुझे सेफ नहीं लगा। तो हम लोगों ने ये वाला, पहले यहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, फ़ोन हमें बाहर जमा करने पड़ते थे, लेकिन अभी फ़ोन हमें अलाउ कर दिया था, तो फ़ोन सभी लिए हुए थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत शूट किया। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करके लाइन अंदर जाएगी और आप कैसे जाओगे, तो पूरा मैं आपको अंदर तक के दर्शन दूंगी, मतलब दिखाऊंगी इसमें, तो आप भी कर सकते। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, हम लोग शेड में हैं। और एक और चीज़, आप कोको, यहाँ पे लिखा है ना कोकोनट वगैरह, आप प्लीज़ जब भी जाएँ त्र्यंबकेश्वर मंदिर, आप प्रसाद की जो बास्केट आपको वहाँ पे मिलती है ना, कोकोनट और फूल वगैरह सब, आप फूल ले लीजिए, बट उनके कहने से आप कोकोनट मत लीजिए, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे डाल दिए जाते हैं, वो भगवान के पास तक नहीं पहुँचते, कुछ भी नहीं पहुँचता, बेलपत्र फूल कुछ नहीं लेके जाने देते, वो सब इधर ही रह जाता है। फिर भी आप फूल ले लीजिए, बेलपत्र वो ये मत लीजिए, कोकोनट वो ऐसे ही यहीं पर ही छोड़ देना पड़ता है, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे अच्छे से बताया है मत लेके आइए, वो तो ऐसे अपना सेल करते हैं और वापस ये सब बाहर आ जाता है, तो ये एक बिज़नेस है इन लोगों का, जिसको कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ नंदी जी के कान में सब लोग अपनी अपनी विशेज़ बोल रहे थे कि भोलेनाथ तक पहुँचाइए, तो मैंने भी किया, मुझे भी अच्छा लगा, तो सब देख कर रहे थे, तो फिर मैंने भी अपनी विश बोली ताकि मेरी भी विश पहुंच जाए। ये देखिए मैं बोल रही हूँ भोलेनाथ तक, तो बस ये दर्शन हम लोग कर रहे थे और पानी भी बरसने लगा था। और वो जो आप साइड में ये देखें, यहाँ पर तीन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के लिंग्स हैं, लिंग अंदर शिवलिंग के अंदर लिंग रूप में दर्शन होता है, किसका, ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो ऐसे आपको यहाँ पे पूरा बताया भी गया, इंडिकेट किया गया क्या क्या है। वो देखिए बाहर से जो लाइन आपको दिख रही है ना, इस साइड में ये जो लाइन दिख रही है, ये पूरा भीग रहे थे लोग और ये पे करके आए थे, हम शेड में थे तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा।
और भीड़ उनमें भी थी, भीड़ हमारे में भी थी, ऐसा नहीं कि वो भीड़ में नहीं थे। ये है मेन हॉल जहाँ पे सामने जो आप देख रहे हैं वहाँ पे मंदिर है, मतलब शिवलिंग है जहाँ पे पूजा हो रही है। और ये जो बीच में पूजा हो रही है, ये लोग पूजा करवाते हैं, जो लोग पूजा जैसे यहाँ पे करवाना चाहें तो ये बीचों बीच वो पूजा चलती है। बाकी साइड से आपको दर्शन होंगे, दर्शन एक मिरर है क्योंकि वो जो शिवलिंग है वो काफ़ी नीचे है, तो मिरर में इमेज दिखा करके वो लेते हैं, मतलब दर्शन देते हैं अपने। और ये बाहर का है व्यू, बाहर बहुत अच्छा था, बट जैसा मैंने आपको बताया पानी बरसने वाला था और बरस भी रहा था हल्का हल्का, ठंड बहुत अच्छी वाली वहाँ पे थी, इतनी ठंड थी कि आप जैकेट पहन सकते हैं। और ये मुझे लगता है जब जब मैं जाती हूँ हमेशा ऐसे ही मौसम रहता है, अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा मौसम रहता है। और भीड़ बहुत थी, नहीं बात हो पा रही थी, मैं सोच रही थी लाइव आने के लिए बट यहाँ पे मैं लाइव की कोशिश कर रही थी आने की। ये मेन गेट है त्र्यंबकेश्वर, पहले हम लोग यहीं से अभी भी जाते हैं, देखिए लाइन देख रहे हैं आप, लेकिन ये लोग पता है करीब 1-2 किलोमीटर से इनकी लाइन चल रही है और ये भीग रहे हैं, तो ये मुझे सेफ़ नहीं लगा क्योंकि ये बीमार हो सकते हैं। तो मैं लाइव जाने की कोशिश कर रही थी बट बहुत शोर था और नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा ठीक है मैं आप लोगों को एटलीस्ट यहाँ का व्यू दिखा दूँ, और जब आप आएँ तो आपको कैसे आना है वो आप देख लें कि आप यहाँ से डायरेक्ट जाना चाहते हैं कि आप पीछे से आना चाहते हैं। और यहाँ पे शॉप्स वगैरह थी जहाँ पे भगवान का सामान ये सब मिलता है, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरा मन था शिवलिंग लेने का बट नहीं लिया, भूख बहुत तेज़ लगी थी जैसा दिखाया मैंने आपको, मैंने डोसा खाया था सिर्फ, तो एक एक वड़ा पाव खाया, ठीक था, मतलब ओके था, खाया मुझे अच्छा लगा, लेकिन भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया, वरना हमने आगे लंच मैंने आगे जाके किया है। तो ये व्यू बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा था, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो गया है, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं आती रहूँगी, स्टे ट्यून रहिए। बहुत जल्द यानी कल या परसों में मैं अगेन वो वीडियो डालूँगी, तो आप देखिएगा पंचवटी का वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।